Hello, good morning students. It's me, your Nandi sir, and today I am going to take the topic that is the propagation or combination of errors. Keyword is propagation or combination of errors. जो errors होते हैं वो कैसे propagate करते हैं या उनको combine कैसे करा जाता है. तो यहाँ पे ना different different formulas हैं, वो आपको formulas जो हैं वो थोड़े याद रखने पड़ेंगे. जैसे अगर आपको error in the sum of the quantities निकालना है, अगर quantities add हो रही हैं तो आपको एरर कैसे निकालना है. आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, दो वैल्यूज है, एक ए है एक बी है. अब दोनों को जमा करके आपको एक्स मिलता है. एक्स किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर. ओके, ये आपको सामने दिख रहा है ना, एक्स जो है वो ए प्लस बी के बराबर है. ऐसे में जो डेल्टा एक्स है, बड़ी डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, जो आपका सम आएगा उसमें जो एरर आएगा दैट इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो दोनों का एब्सोल्यूट एरर होएगा, ए का और बी का, दोनों को प्लस कर देना है, दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर इन द योर आंसर. मतलब जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा इन सम ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज. जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आपका आएगा वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी. तो जब भी क्वांटिटीज ऐड होंगी आपको उनके एरर्स जो हैं, एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो भी ऐड करने हैं. तो व्हेनेवर यू आर डूइंग द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज यू हैव टू ऐड द एरर्स एज वेल. देन सेकंड होता है एरर इन द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज. ओके, तो एरर इन द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज, अगर क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती हैं तो व्हाट हैपेंस टू देयर एब्सोल्यूट एरर्स? दे विल अगेन एडेड. उनको तब भी एड ही करना आपने. अगर क्वांटिटियां सब्ट्रैक्ट होती हैं, जैसे आप ए में से बी को माइनस करते हो तो जो आपके एरर हैं वो फिर भी एड ही करने हैं. ठीक है, चाहे एडिशन हो उसमें भी एरर एड करने हैं. अगर क्वांटिटियां सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो भी उनके जो एरर हैं वो एड ही करने हैं. फिर आता है मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई की बात आएगी तो आपने फ्रैक्शनल एरर लेना है फिर. ठीक है, फिर अपना आपका एब्सोल्यूट एरर आता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में. और जब आपने क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है उस केस आपका आता है एब्सोल्यूट एरर, ए रिलेटिव एरर. तो यहां पर जो आपका रिलेटिव एरर इन एक्स है, मतलब फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, वो आपको पता ना डेल्टा एक्स बाय एक्स. अगर ए में हो तो उसको डेल्टा ए बाय ए लिखते हैं. यहाँ पे एक्स का निकालना है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स. जो आपका आंसर आएगा प्रोडक्ट, उसका जो रिलेटिव एरर होगा वो डेल्टा एक्स बाय एक्स, वो किसके बराबर होगा? प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन ए दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी दैट इज डेल्टा बी अपॉन बी. ये फॉर्मूला रहता है. तो अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है एक्स का, मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स, वो किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन ए एंड प्लस रिलेटिव एरर इन बी. अगर आपको डिविजन करना है, इफ यू वॉन्ट टू डिवाइड द क्वांटिटीज ए बाय बी, अगेन सेम फॉर्मेट इज देयर, सेम फॉर्मूला विल बी देयर. फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन यू हैव द सेम फॉर्मूला. दोनों का फॉर्मूला जो रहता है वो सेम रहता है. जैसा एडिशन में वो सब्ट्रैक्शन में रहता है वैसा ही आपका मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में रहता है. बस फर्क इतना होता है, ओनली डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू विल फाइंड द एब्सोल्यूट एरर्स. And in case of multiplication and division, you will find the relative errors or fractional errors. So, जब ये quantities multiply होंगी, then you have to find the fractional error. And whenever you are adding the quantities or you are subtracting the quantities, you will find the absolute errors. Absolute error तब निकाले जाते हैं जब quantities add या subtract करते हैं. जब क्वांटिटियां मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है तो फ्रैक्शनल एरर निकालने हैं. अब एक होता है एरर इन द क्वांटिटी रेज टू सम पावर. अगर क्वांटिटी में पावर्स आ रही हैं तो एरर कैसे निकालना है? उसमें भी आपका एब्सोल्यूट एरर ही नहीं निकलना है, वो निकलना है रिलेटिव एरर. तो सपोज करो एक्स जो है वो ए की पावर एम और बी की पावर एन है. एक्स इक्वल टू ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एन. तो आपको एरर इन एक्स निकालना, मतलब रिलेटिव एरर इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स एंड इक्वल टू प्लस माइनस, पहले पावर आ जाएगी एम पहले और रिलेटिव एरर इन ए और प्लस पहले पावर फिर रिलेटिव एरर इन बी. ये फॉर्मूला रहता है. ठीक है, ये दिस फॉर्मूलास आर वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. अब मैं आपके सामने न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा. ये मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ आपके सामने कि टू बॉडीज हैं, हमारे पास दो बॉडीज हैं, दे हैव द मासिस 20 प्लस माइनस 0.2 kg. ये एरर आ गया, दिस इज मास
एंड दिस इज रिलेटिव एरर इन मास, प्लस सेकेंड मास है 30 प्लस माइनस 0.4 के जी, ये मास इसकी एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज कॉल द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज इट्स एरर डेल्टा, जो रिलेटिव एरर है के जी. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दीज बॉडीज, आपको बताना कि इनका टोटल मास कितना है. तो यू नो ना टोटल मास के लिए, मतलब टोटल मास दोनों जमा करने हैं, तो आपके सामने है ये दोनों मासेस, आपके सामने है 21, एम वन जो है एम वन उसकी वैल्यू कितनी है 20 प्लस माइनस, 20 के साथ आपका प्लस माइनस आएगा दैट इज 20 प्लस माइनस 0.2 केजी. ओके ये आपका आ रहा है. अब आपने क्या करना है कि दूसरा जो मास है एम टू उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 30 प्लस माइनस 0.2 देखो 0.4 के जी, ये दो मास है, आपने दोनों को जमा करना है. तो m निकालना है, m किसके बराबर होगा m1 प्लस m2. अब ऐड कैसे करना है वो चीज आपने देखनी है, मैंने इसमें सॉल्व कर रखा है, मैं आपको निकाल के दे देता हूँ. ओके तो देखो आपने m1 प्लस m2 करना है, अब वो कैसे होएगा, बट भी टोटल मास m, m की वैल्यू लिखो, m कितना है 20, दिस इज आपने दोनों को जमा करना है. देखो m m1 प्लस m2, m की वैल्यू कितनी है 20 प्लस माइनस 0.2 और ये लिखा, और प्लस दूसरे वाला लिखना 30 प्लस माइनस 0.4, दोनों को ऐड करना है. m देखो इस वाले पार्ट में ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसमें ये वाला पार्ट ऐड करना है, ठीक है, ये आएगा 20 प्लस 30 ये आ गया, फिर प्लस माइनस एरर्स, एरर को दोनों को जमा कर देना है, ठीक है, प्लस माइनस करके एरर्स को जमा कर देना है 0.2 और प्लस 0.4. अभी आपने पढ़ा था नहीं कि जब क्वांटिटीयां ऐड होती हैं अगर x a प्लस b के बराबर हो तो उनके दोनों के जो एरर होते हैं उनको जमा करते हैं. यहाँ पर क्वांटिटीयां जमा हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, इसलिए एरर जो है वो ऐड कर देने हैं. ये जो है ना ये दिस वन 0.2 एंड दिस 0.4, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स. तो जब आपने क्वांटिटीज को ऐड करना है यू हैव टू ऐड देयर एब्सोल्यूट एरर्स. तो m किसके बराबर आएगा 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 और प्लस माइनस 0.2 और 0.6 4 कितना हो गया 0.6 और साथ में कहेगा kg, दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ टू ऐड द एरर्स. ये एरर ऐड करने का तरीका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. एक क्वेश्चन आपके सामने और ले लेता हूं मल्टीप्लाई का. मल्टीप्लाई में आपको पता ना हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव एरर निकालने हैं, उसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते, रिलेटिव एरर्स. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेंथ. एवरीबॉडी नोस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेंथ रेक्टेंगल का, वेयर एल की वैल्यू ये है और ये वी लेंथ है, ये ब्रेंथ है. फाइंड द परसेंटेज एरर इन ए, आपको ए का परसेंटेज एरर जो है वो निकालना है. यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन व्हाट, तुम्हें परसेंटेज एरर इन ए निकालना है, ठीक है. तो रिलेटिव एरर निकलेगा तो परसेंटेज एरर निकलता है, क्योंकि रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई करो दैट इज योर परसेंटेज एरर. अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. तो मेरे पास पता है कि ए जो एल लेंथ है, लेंथ इज गिवन टू बी, लेंथ की वैल्यू है 200 है प्लस माइनस 5 मीटर, दिस इज लेंथ. एंड व्हाट इज ब्रेंथ हियर, ब्रेंथ की वैल्यू 50 प्लस माइनस 2 मीटर, ये दो वैल्यूज है एल और बी की. अब आपको ए निकालना है, ए का फॉर्मूला रहता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेंथ, ये फॉर्मूला रहता है. ये फॉर्मूला आपको गिवन भी है, ऐसे भी आप जानते हो. अब हमें पता है कि दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है मल्टीप्लाई. जब क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो कौन सा एरर निकाला जाता है, रिलेटिव, रिलेटिव एरर निकलता है. तब एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते, रिलेटिव एरर ही निकलेगा. तो बड़ी रिलेटिव फॉर्मूला लगाना है, आपको पता ना एक्स इक्वल टू ए इंटू बी वाला फॉर्मूला लगना है. तो डेल्टा एक्स वाई एक्स, तो फॉर्मूला क्या आएगा कि डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब रिलेटिव एरर इन ए किसके बराबर होगा, रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी, दैट इज प्लस माइनस करके करोगे ना आप, एंड दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये फॉर्मूला आएगा आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया. अब दिस इज योर फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी. ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी से. अगर x इक्वल टू a इंटू बी हो तो डेल्टा x बाई एक्स क्या होता है, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, मतलब रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a
प्लस रिलेटिव एरर इन बी ड्यूरिंग द मल्टीप्लाई। अब ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, पहले मैं निकालूंगा रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, और ये किसके बराबर आएगा, दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल। अब वैल्यू डालो, ये एल आ गया नहीं, और ये डेल्टा एल है, तो 5 अपॉन एल, एल कितना है 200। फिर प्लस डेल्टा बी अपॉन वी, ये वी है, ये डेल्टा वी है, मतलब 2 अपॉन 50, ये आ गया डेल्टा ए बाई ए। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो व्हाट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 5, 5 5 का 25, 250 अपॉन ए प्लस 200 इंटू 2, 400, और अपॉन कितना आएगा 5 2 का 10, और 1 2 एंड 3, ये आएगा आपका। एंड व्हाट इज डेल्टा ए, ठीक है, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, इसकी इधर करी, और इसकी इसके साथ करी, तो दी ज्यादा थिंग्स, डेल्टा ए अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा, 400 250 कितना हो गया 650 अपॉन, ओके, तो अपॉन दिस 10,000, ठीक है, एक जीरो कैंसिल, तो इट इज 65 अपॉन 1000। ये आ गया डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब दिस इज रिलेटिव एरर इन ए। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन ए। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देयरफॉर अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन ए वो क्या होगा, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, एंड मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से, एंड दिस वैल्यू विल बी 65 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100, दो जीरो कैंसिल, 65 अपॉन 10 कितना हो गया 6.5%। दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये फुली सॉल्व है, आप खुद भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि यू हैव डेंसिटी, यू नो ना डेंसिटी क्या होते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन बाय रो, दिस इज रो, इस सिंबल को बोलते हैं रो, आर एच ओ, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी, वेयर मास इक्वल टू दिस वैल्यू, मास इज गिवन एंड वॉल्यूम इज आल्सो गिवन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन रो। इसका भी सेम वैसे ही निकलना है। तो एम की वैल्यू ये है 20 प्लस माइनस 0.2 kg, और वी की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.1 kg। तो इसमें ये M आ गया, ये डेल्टा M आ गया, ये B आ जाता है, ये डेल्टा V आ जाता है, उसके एरर्स भी आ जाएंगे। रो का फॉर्मूला क्या होता है, M बाय B। तो अब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में भी क्या निकलता है, रिलेटिव एरर निकलता है। इसका मतलब रिलेटिव एरर इन रो, दैट इज डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा M बाय M, डेल्टा M बाय M मतलब रिलेटिव एरर इन M प्लस डेल्टा B बाय B, दैट इज रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। तो डेल्टा रो बाय रो किसके बराबर होगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा बी बाय वी। मल्टीप्लाई करो तो भी वही रूल लगता है रिलेटिव एरर वाला, जब आप डिवाइड करो तो भी वही रूल लगता है रिलेटिव एरर वाला। डेल्टा रो बाय रो किसके बराबर आएगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा बी बाय वी। अब डेल्टा एम देखो, ये एम होता है, ये एम है, ये डेल्टा एम है, तो 0.2, ओके। अच्छा ये थोड़ा सा ना मेरे से लिखने से यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, मैंने डेल्टा एम की जगह डेल्टा वी वाला लिख रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैंने वी वाला लिख दी है, आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा विजिबल नहीं था, आपको दिखा देता हूँ। देखो रो किसके बराबर है, एम बाय बी, इसका मतलब डेल्टा रो बाय रो, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा रो बाय रो किसके बराबर होगा, डेल्टा एम बाय एम एंड प्लस डेल्टा बी बाय वी। जब भी मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड हो तो ये फ्रैक्शनल एरर निकाला जाता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा रो बाय रो किसके बराबर आएगा, डेल्टा एम बाय एम एंड प्लस डेल्टा बी बाय वी। अब मैंने ना पहले इसकी वैल्यू डाल दी है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, डेल्टा बी बाय वी पहले मैंने डाल दी है। अब इसको पहले लिख दो, जिसको पहले लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ही होता है। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी, ये वी है, वी ये डेल्टा वी है, ये वी ये डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना 0.1, 0.1 अपॉन 10 प्लस डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा एम कितना 0.2, है ना, 0.2 अपॉन 20, 0.2 अपॉन 20। अब आपने इसको सॉल्व करना चाहिए, तो तुम्हें आते ही करना है।
आप इसको सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो तुम्हारा परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, दिस इज डेल्टा रो बाय रो इनटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0.1/10 प्लस 0.2/20 इनटू 100 से मल्टीप्लाई करो। अब 100 की मल्टीप्लाई पहले इससे करो फिर प्लस इससे करो, मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस। अब यहां से जब 0.1/10 इनटू 100 करोगे तो एक जीरो कैंसिल, 0.2/20 इनटू 100 करोगे तो एक जीरो कैंसिल, 2 का 2 और 2 5 का 10 आ जाएगा। तो 1/10 यहाँ पे रह गया, ठीक है, ये 0.1 बचा उसको लिखो 1/10 इनटू 10 और 2, ये 0.2 बचा उसको लिखो 2/10 इनटू 5, तो ये फिर 0 0 कैंसिल 1 आ गया और ये 5 2 का 10 10/10 ये 1 बनेगा, 1+1 2%, दिस इज 2%। अब जो मल्टीप्लाई पावर वाला है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ये एक क्वेश्चन है पावर पे, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, जब भी कोई क्वांटिटी पावर में होती है तब भी आपका रिलेटिव एरर निकलता है। आपके पास एक क्वेश्चन है कि जेड है, जेड इज एनी क्वांटिटी, जेड की वैल्यू है ए स्क्वेयर बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4, दिस इज एनी क्वांटिटी, कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। आपको रिलेटिव एरर निकालना है जहां पे कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो जनरल आंसर आएगा, यू नो ना डेल्टा जेड अपॉन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड किसके बराबर आएगा, ये यहाँ पर पावर्स आ रही है, पावर में जो लगता है रिलेटिव एरर ही लगता है। अब हमने क्या निकालना पहले, रिलेटिव एरर इन ए, पावर पहले आ जाती है 2 पहले, डेल्टा ए अपॉन ए आ गया, फिर प्लस करते हैं पावर पहले 3 पहले, डेल्टा वी अपॉन बी आ जाएगा, और फिर जो डिनोमिनेटर वो भी पावर पहले, डेल्टा सी अपॉन सी आ जाएगा। ये आंसर है, ये मैंने आपको बताया था ना, दिस इज योर आंसर, ये मैंने करा तो था कि ए की पावर अगर कुछ है, ए की पावर एम है, बी की पावर सपोज करो एन है और एक्स इसके बराबर है, तो देन बड़े डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये होता है पावर पहले एम डेल्टा ए अपॉन ए और फिर पावर पहले डेल्टा बी अपॉन वी, ये वही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। एंड विद दिस योर दिस पोर्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इज ओवर नाउ, एंड ऑन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद योर इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द यूनिट एंड दैट इज द डायमेंशंस। Okay, now physical world and this measurement is over now, and we are left with the dimensions. And in the paper, every time a question comes from this dimension side, this is so this part of the unit is very important. You have to concentrate on this part. You have the define of dimensions. You have how to find the dimensions of the quantities. Then you have some applications of dimensional analysis. And these are the 4 or 5 lectures are there, and this is very interesting and this is very important also. And now there's a message for 11th class students, if you face any problem or you are facing any problem, and you can contact me. Everybody is having my number, that is 8803769046. You can contact me on this my number, you can WhatsApp me your problem. Whatever you are facing the problem, any numerical you are trying to solve and you are not able to solve, you can send me, I will solve it. And if you require the material for the study of this physics, you can contact me. Okay, so I hope you all are enjoying the physics classes, and if you are facing the problem, then you can contact me. Okay, bye.